बस आज की वीडियो एक ब्लॉग, आज है डेट 18, ये ब्लॉग हम 18 सितंबर को शूट कर रहे हैं। सो जो 18 डेट है ये हमारी लाइफ में बहुत स्पेशल है। ये क्यों स्पेशल है ये तो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, आपको पता ही चल जाएगा जब आप पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगे। तो ये डेट हम लोग अब तक अकेले सेलिब्रेट करते थे, मैं सेलिब्रेट करती थी अपने हस्बैंड और बेटे के साथ, श्रेष्ठ के साथ। बट क्योंकि अब हमारे पास हमारी YouTube फैमिली भी है, तो ये डे मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। क्योंकि हमारी फैमिली उत्तराखंड है और हम यहाँ बैंगलोर है, तो आई होप जब हमारी फैमिली भी ये ब्लॉग को देखे तो काफी हेल्दी और हैप्पी फील करे। सो गाइस, सच कुछ प्लान्स नहीं होते हैं इस डेट पे, श्रेष्ठ की अपनी मस्ती ही, उसकी यू नो शैतानियां ही इस डेट को बहुत ज्यादा स्पेशल बना देती है। सो आप हमारे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में, पूरा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसको मुझे बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और चलिए पूरा दिन साथ में बिताते हैं, साथ में स्पेंड करते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत करते हैं श्रेष्ठ को जगाने से। तो चलिए श्रेष्ठ को जगाते हैं नींद में से और देखते हैं वो क्या करता है, कैसे करता है। तो बने रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग श्रेष्ठ, हैप्पी हैप्पी श्रेष्ठ, हैप्पी हैप्पी, गुड मॉर्निंग जोर से, गुड मॉर्निंग अमर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके हैप्पी हैप्पी कर दो, हैप्पी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, नो बाय, हैप्पी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी मम्मा। मिल जाए आपने morning dadu say it morning say good morning dadu सो श्रेष्ठ ऐसे अच्छे से जाग गया है। अभी वो थोड़ी देर अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करेगा मॉर्निंग का, उनके साथ खेलेगा, घूमेगा थोड़ी देर। और आज बैंगलोर का वेदर काफ़ी ठंडा है, आप देख सकते हैं क्लाउडी है। और इस टाइम पे मेरे पास टाइम होता है कि श्रेष्ठ अभी पापा के साथ है तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट और लंच की प्रिपरेशन कर लूँ, सो दैट मैं बाकी दिन में उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो ब्रेकफास्ट और लंच की दोनों की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं फिर अब श्रेष्ठ को और हम लोग सब बैठ के अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे और फिर उसके साथ आगे की डे की मैं तैयारी कर। हम सब ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब श्रेष्ठ का ब्रेकफास्ट के बाद अपना मस्ती का टाइम है, वो फुल डे मस्ती करेगा और पूरा इंजॉय करेगा। लंच करा दिया है और लंच कराने के थोड़ी देर बाद अब मैं उसको सुलाऊंगी। ऑल्दो उसको दिन में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट उसको सुलाना आज बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब वो सोएगा तब मैं उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करूंगी और वो सरप्राइज़ मैं आप सबों के साथ अभी बता देती हूँ। वो सरप्राइज़ होगा, मैं उसके लिए केक बेक करूंगी, श्रेष्ठ को केक बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको हैप्पी हैप्पी करना बहुत पसंद है और हम उसके लिए केक बेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये डेट हमारे लिए क्यों स्पेशल है। सो गाइस, अभी 4:30 हो गए हैं इवनिंग के और अब मुझे टाइम मिला है कि मैं केक प्रिपेयर कर पाऊँ, केक बेक कर पाऊँ। तो देखती हूँ अभी मैं क्या बेक कर पाऊँगी क्योंकि मैं इतना परफेक्ट भी नहीं हूँ बेकिंग में।
गाइस इवनिंग के 6 o'clock हो गए हैं, श्रेष्ठ जाग गया है अपनी आफ्टरनून नैप से और मैं अभी भी केक प्रिपेयर ही कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 50% मैंने कर लिया है, बाकी का बस अभी करेंगे। श्रेष्ठ, यू वांट टू ईट केक? ईट। एक्चुअली कोई भी सेलिब्रेशन बिना केक के तो पॉसिबल होता ही नहीं है, तो केक तो बनता है चाहे सेलिब्रेशन कुछ भी हो। गाइज आज का सेलिब्रेशन है 18 डेट का, और 18 डेट इसलिए क्योंकि 18th को श्रेष्ठ का जन्म हुआ था और 18th को ही श्रेष्ठ के पापा यानी शतांशु का भी बर्थडे होता है, तो दोनों का 18th को ही हैप्पी बर्थडे होता है। सो इसलिए हम लोगों के लिए 18 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे दोनों ही सन एंड मून 18th को हुए हैं, तो दोनों के लिए मुझे केक बेक करना बहुत अच्छा लगता है आज के दिन। सितांशु का बस ऑफिस अभी जल्दी से ऑफ हो जाएगा, वो लॉग ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद हम सेलिब्रेशन करेंगे। इतना मैं फटाफट से जो बाकी का केक रह गया है बनाना, नो डोंट डू लाइक दिस, तो मैं बस वो भी जल्दी से प्रिपेयर कर लूंगी। काफी काफी काफी
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, होप आपको आप सबको अच्छा लगा हो, आप लोग भी एंजॉय कीजिए अपने घर में ऐसे ही पार्टी कीजिए। थैंक यू गाइस, आप मेरे साथ पूरा दिन बने रहे इस व्लॉग में, मुझे काफी अच्छा लगा और अकेला तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। ऑल दो वीक डे था, फ्राइडे था, तो सिद्धांत पूरा दिन अपना वर्क फ्रॉम होम ऑफिस में लगे रहे, वी कांट डिस्टर्ब हिम एट ऑल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपको व्लॉग अच्छा लगा हो और आप कुछ भी हमें अपने सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। श्रेष्ठ की मस्ती अभी भी चल रही है, ये डे अभी खत्म नहीं हुआ है, ये डेट अभी चली रही है हमारी और नेक्स्ट 18 का हम लोग जरूर वेट करेंगे। सो बाय, थैंक यू, हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।